स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू SVS इंग्लिश क्लासेस. वी आर हेयर टू स्टार्ट वीडियो नंबर 4 फ्रॉम द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, रिटन बाय अनीश जोंग. लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत. इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है. जब अनीश जोंग कहती हैं कि कबाड़ बीनने का अर्थ बच्चों की अपेक्षा माता पिता के लिए भिन्न है, अर्थात दोनों अलग अलग तरीके से सोचते हैं. बच्चों के लिए कबाड़ बीनने का कार्य आश्चर्य में लिपटा हुआ है और बड़ों के लिए कबाड़ बीनने का कार्य अस्तित्व का साधन है, उनकी जीविका का साधन है. तो इससे आगे अनीश जोंग क्या कहती हैं, आइए देखते हैं. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस. वन विंटर मॉर्निंग, जाड़े के मौसम में एक दिन सुबह सुबह आई सी साहिब, मैंने साहिब को देखा. मैंने किसने? अनीश जोंग ने. स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, पड़ोस के क्लब के बाड़े से घिरे हुए फाटक के समीप मैंने साहिब को खड़े हुए देखा. जाड़े के मौसम में एक प्रातः को. वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट, सफेद यूनिफॉर्म पहने हुए दो युवकों को प्लेइंग टेनिस खेलते हुए वह देख रहा था. बाड़े से घिरे हुए फाटक के समीप खड़े हुए साहिब, सफेद कपड़े पहने हुए दो युवकों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था. आई लाइक द गेम, ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. कंटेंट, संतुष्ट, टू वॉच इट, इसको देखकर, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, चार दीवारी के पीछे खड़े हुए, उस गेम को संतुष्ट होकर देखते हुए. ही हम्स, वह हिचकिचाते हुए कहता है. हम्स मीन्स हिचकिचाते हुए कहना. कहता है क्या? आई लाइक द गेम, मुझे खेल पसंद है. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, वह कहता है, वह स्वीकार करता है. आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ. व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई अंदर नहीं होता है. जब कोई अंदर नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ. द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग. स्विंग कहते हैं झूला. गेट कीपर, संतरी. तो संतरी मुझे झूले का प्रयोग करने देता है, या संतरी मुझे झूले में झूलने देता है. कब? जब कोई अंदर नहीं होता है. साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. अनीश जो कहती हैं, साहिब टू, साहिब भी, इज वेयरिंग, पहन रहा है या पहने हुए हैं, टेनिस शूज, टेनिस के जूते. साहिब भी टेनिस जूते पहने हुए हैं. दैट लुक स्ट्रेंज, जो विचित्र लगते हैं या लग रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं. स्ट्रेंज मीन्स विचित्र. ओवर हिज डिसकलर्ड, डिसकलर्ड कहते हैं गंदी, शर्ट, कमीज एंड शॉर्ट्स, नेकर, जो उसकी गंदी कमीज और नेकर पर
विचित्र लग रहे हैं। Someone gave them to me, he says, in the manner of an explanation. स्पष्टीकरण के रूप में, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन का मीनिंग है स्पष्टीकरण के रूप में, स्पष्टीकरण देते हुए। ही सेज, वह कहता है, साहिब कहता है, क्या कहता है? सम वन गेव देम टू मी, किसी ने इन जूतों को, टेनिस के जूतों को मुझे दिया। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रेफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम। अनीश जो कहती है कि यह वास्तविकता, फैक्ट मीन्स वास्तविकता, दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वे किसी धनी लड़के के, डिस्कार्ड मीन्स फेंके हुए जूते हैं। वास्तविकता यह है कि वे किसी धनी लड़के के फेंके हुए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज्ड, जिसने, जिस लड़के ने, जिस धनी लड़के ने परहैप्स शायद रिफ्यूज्ड मना कर दिया था टू वियर देम उनको पहनने के लिए, बिकॉज ऑफ के कारण, ए होल एक छेद, इन वन ऑफ देम उनमें से एक जूते में छेद के कारण शायद उस धनी लड़के ने उनको पहनने से मना कर दिया था, इसलिए उसने उन जूतों को फेंक दिया था जो साहिब ने पहन रखे थे। डज नॉट बोदर हिम, ये बात, ये वास्तविकता उसे किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं करती है। बोदर में चिंता करना, ये वास्तविकता कि वे जूते उस किसी धनी लड़के ने, जिसने शायद एक जूते में छेद होने के कारण पहनने से मना कर दिया था, के द्वारा फेंके हुए हैं, ये वास्तविकता उसे किसी प्रकार से चिंतित नहीं करती है, उसे परेशान नहीं करती है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू। लेखिका कहती है कि फॉर वन, उस एक बालक के लिए, हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, जो नंगे पांव चला हो या चलता रहा हो, इवन शूज विद ए होल, एक छेद वाले जूते भी क्या है, इज ए ड्रीम, एक स्वप्न के समान है, कम ट्रू जो साकार होता है, कि एक छेद वाले जूते भी उसके स्वप्न को, उसके ख्वाब को साकार करते हैं। किसके लिए? जो व्यक्ति, जो लड़का नंगे पांव रहा है, तो उसके लिए एक छेद वाले जूते भी स्वप्न साकार होने से कम नहीं है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। आगे जुंग कहती हैं, बट द गेम, परंतु वह खेल, ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, जिसे वह देख रहा है, सो इंटेंटली बड़े ध्यान से, जिसे वह बड़े ध्यान से, गौर से देख रहा है, इज आउट ऑफ हिज रीच, वह खेल उसकी पहुंच से दूर है। आउट ऑफ हिज रीच का मीनिंग है उसकी पहुंच से दूर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अनीश जो कहती है कि आज प्रातः काल के समय साहेब इज ऑन हिज वे, साहेब उस रास्ते पर जा रहा है टू द मिल्क बूथ, जो दूध बिक्री का केंद्र है, दूध बिक्री का स्थान है, उस रास्ते पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस
दूर स्थिति, दूर स्थान की ओर या दूर इशारा करते हुए वह कहता है, आई नाउ वर्क, मैं अब काम करता हूँ इन ए टी स्टोर, एक चाय की दुकान पर, डाउन द रोड, दूर सड़क पर। दूर सड़क पर मैं अब एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, ऐसा उसने दूर इशारा करते हुए साहिब कहता है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, साहिब कहता है, आई एम पेड 800 रुपीज, मुझे 800 रुपए मिलते हैं, एंड ऑल माई मील्स, और मुझे सारा भोजन मिलता है, दिन भर का पूरा भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, अनीजू कहती हैं, उससे पूछा, डज ही लाइक द जॉब, क्या वह उस काम को पसंद करता है, क्या उसे वो काम पसंद है। आई आस्क, मैंने पूछा, किसने पूछा, अनीश जून ने, लेखिका ने पूछा कि क्या उसे काम पसंद है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, आई सी, मैंने देखा, अनीश जून ने देखा, हिज फेस, उसका चेहरा, हैज लॉस्ट, खो चुका है, द केयर फ्री लुक, तनाव रहित भाव, कि उसके चेहरे पर जो तनाव रहित भाव रहता था, जो प्रसन्नता रहती थी, जो खुशी रहती थी, वह खुशी उसके चेहरे से समाप्त हो गई है। तनाव रहित भाव, तनाव रहित चेहरा अब उसका नहीं रहा है, क्योंकि उसे दुकान पर काम करने की चिंता या तनाव रहता है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग्स ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, अनीजू कहती हैं कि वो स्टील का कनस्तर अधिक भारी प्रतीत होता है देन द बैग्स, उस बैग, उस प्लास्टिक बैग की अपेक्षा। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसे वह लाइट, सो लाइटली मीन्स आसानी से, जिसे वह आसानी से अपने कंधे पर ले जाता था, यानी कि जो प्लास्टिक थैला वह अपने कंधे पर आसानी से ले जाता था, उससे यह स्टील का कनस्तर अधिक भारी प्रतीत होता है। द बैग वाज हिज, वो थैला उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और वो कनस्तर उस व्यक्ति का है, हु ओन्स द टी शॉप, जो दुकान का मालिक है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा, अर्थात साहिब अब स्वतंत्र नहीं रहा था, वह दूसरे का गुलाम बन गया था, क्योंकि दूसरे के यहां काम कर रहा था। इस बात को अनीश जोंग कहती है, और यहां तक अनीश जोंग सीमापुरी में रहने वाले लोग, जो ढाका से आकर के, बांग्लादेश से आकर के रहे और कबाड़ बीनने का काम कर रहे हैं, उनकी दयनीय स्थिति के बारे में बताती है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, और सीमापुरी की जो कबाड़ियों की कहानी है वो भी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में इसी लेसन के, जो जिसमें लेखिका फिरोजाबाद की कहानी चूड़ी बनाने वालों के बारे में बताती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अब तक तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको अपने सिलेबस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर 5 में, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोगों की स्थिति के बारे में जानने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय।